एक तरफ दिल्ली की हवा के प्रदूषित होने पर देश भर में शोर मच रहा है, तो दूसरी ओर उत्तराखंड की आबोहवा भी अब जहरीली हो चुकी है। मंगलौर के झबरेड़ा और लिब्बर हेडी में एनजीटी के नियमों को ताक पर रखकर कोल्हू ठेकेदार हवा में जहर घोलने का काम कर रहे हैं। यहाँ लगातार रबड़ और प्लास्टिक जला करके चीनी से बुरा बनाने का काम किया जा रहा है। साथ ही कोल्हुओं में गन्ने का रस पकाने के लिए भी रबड़ और प्लास्टिक का उपयोग किया जा रहा है, जिससे लोगों की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दरअसल मंगलौर के लिब्बर हेडी में गन्ने के रस से गुड़ बनाने के लिए दर्जनों कोल्हू स्थित है, जो क्षेत्र से किसानों से गन्ना खरीद कर गन्ने के रस को पकाकर गुड़ बनाने का काम करते हैं। वहीं इस पूरे मसले को लेकर ज्वाइंट मजिस्ट्रेट अभिनव शाह ने कहा कि कोल्हुओं के खिलाफ में कार्रवाई करने प्रदूषण विभाग, तहसीलदार और पुलिस विभाग को निर्देशित किया गया है। मामले की जाँच की जा रही है, इसके बाद ही कोई उचित कार्रवाई की जाएगी। मैंने सख्त निर्देश इशू कर दिए हैं पोल्यूशन डिपार्टमेंट को, हमारी तहसीलदार साहब को और पुलिस को, कि इसमें चेक करते रहें। बीच में भी हमने काफ़ी कोल्हू सीज करे हैं, आगे भी ये कार्रवाई जारी रहेगी। मैं भी निकलूँगा फील्ड में करने के लिए, तो ये हम करते रहेंगे। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसमें हम पेनल्टी भी लगाएंगे और कोल्हू भी सीज करेंगे।